जापान में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने रॉकेट बनाया, लेकिन जापान का पहला प्राइवेट कंपनी का रॉकेट लॉन्च होने के थोड़ी ही देर बाद विस्फोट होकर चकनाचूर हो गया। जापान में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी निजी कंपनी ने रॉकेट बनाया और उसे अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया, लेकिन प्रक्षेपित करने के थोड़ी ही देर बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। कैरोस नाम का 4-स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11:01 पर उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद टुकड़ों में फट गया। स्पेस वन ने कहा है कि लॉन्च के बाद उड़ान बाधित हो गई थी और इसकी जांच की जा रही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट किन कारणों की वजह से हुआ या फिर इसमें कोई घायल हुआ है या नहीं। स्पेस वन ने आगे कहा है कि लॉन्च ऑटोमेटिक था और ग्राउंड कंट्रोल सेंटर में केवल 1 दर्जन कर्मचारियों की आवश्यकता थी। उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि रॉकेट आग की लपटों में घिर गया और मलबा आसपास के पहाड़ों और समुद्र में बिखर गया। लॉन्च इवेंट के एक वीडियो में इलाके में हर तरफ धुआं देखा जा सकता है। वीडियो में आग बुझाने के लिए उस जगह की पानी की बौछारें फेंकते हुए भी देखा जा सकता है। किसी के घायल होने की अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।